दिवस पॉलिटिक्स, क्योंकि एनबी की जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसमें पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि वहां पे पीआर रिले यूज किया जाता है। तो पहली चीज है कि इस ब्लॉक का प्रयोग हमको कब करना पड़ा, जिस समय पे नील्स वाल टोकन चल रहा था और वहां पे क्या होता था कि ट्रेन ऑफ नंबर्स कम थी उस समय पे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ी उसके हिसाब से फिर आगे ये सोचा गया कि इस ब्लॉक को एनबीटी ब्लॉक की जगह पे दूसरा ब्लॉक लाया जाए, जिसमें से सेक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ सके और ये टोकन का लेने देने का खतरा कम हो सके, मिसिंग टोकन ना हो पावे और इसकी जो है ऑपरेटिंग टाइम भी कम लगे। ये सोच करके ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और इसमें ये बताया गया कि ये जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि मॉड्यूलेशन आपने ध्यान दिया होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन होता है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज किया गया है। इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है 2700 हर्ट्ज और 1800 हर्ट्ज। इसमें टीएक्स और आरएक्स जो यूज कर रहे हैं हम वो 1800 हर्ट्ज और 2700 हर्ट्ज के यूज कर रहे हैं। उसमें मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 65 हर्ट्ज और 85 हर्ट्ज। इसके बाद देखते हैं हम सिस्टम कंपोजिशन में देखिएगा। इसमें ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है कि सबसे पहली चीज ये देखिए, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये आपको दिक्कत आ रही है वो चीज बताइए जरूर। दी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज कॉम्पैक्ट एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड फिट टू स्टैंड फॉर रफ हैंडलिंग। इट इज इजी टू मेंटेन। रिमूवल रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट और सब असेंबली डज नॉट डिस्टर्ब द एडजॉइनिंग पार्ट्स सब असेंबल्स। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड विद इन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जो है ये पार्ट दिखाए जा रहे हैं आपको। इसमें ये आपका वेल है, इसमें एक गैलो लगा होता है, ये टाइम रिलीज इंडिकेटर लगा होता है और इसमें जो है S1 S2 दो काउंटर्स रहते हैं और ASM की का है और ये सेंट की। दूसरा ये आपका ब्लॉक हैंडल और ये लाइन इंडिकेटर के लिए, ट्रेन ऑन लाइन के लिए आपको दिखाता है। और इसमें इसका चलो मैं उसमें दिखा देता हूँ, प्रॉपर दिखा देता हूँ आपको वही डायग्राम, इसका जो इमेज प्रॉपर जो है देख लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें अपने इस बुक्स में S23 में ये दिया हुआ, देखिए इसमें देखिएगा और थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं मैं 50-70 स्पीड कर देता हूं। इसकी इमेज जो है अभी देखिए आप, ये गैलवो है, ये टाइम रिलीज इंडिकेटर है, ये काउंटर S1 और S2, ट्रेन ऑनलाइन और ये आपका जो है SM की और ये संड की और ये हैंडल। यहाँ देखिए हैंडल इस पोजीशन में क्या है, ये लिखा है ट्रेन गोइंग टू और इधर ट्रेन कमिंग फ्रॉम, PB1 PB2। ये दो प्रकार की बटन रहती है PB1 और PB2। ये लाइन क्लोज पोजीशन पे आपका हैंडल सीधा रहता है, जैसे हम TCF करते हैं वैसे ही आपका राइट साइड घूम जाएगा और TGT करेंगे तो लेफ्ट साइड। इसमें क्या ऑपरेशन करने के लिए भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे ये PB1 बटन प्रेस किया जाएगा, ए स्टेशन अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक सेक्शन में ए स्टेशन बी स्टेशन दोनों, ए स्टेशन को गाड़ी ट्रेन भेजनी मतलब बी स्टेशन पे, तो पहले वो ए स्टेशन में PB1 प्रेस करेगा। PB1 प्रेस करेगा जैसे, वैसे ही पहली चीज ध्यान देना है अपने को, जैसे ये प्रेस करेगा PB1 प्रेस करेगा तो यहां से कोड जाएगा माइनस में, कोड वहां पे जाकर के BLR रिले पिकअप करा देगा। आवाज आ रही है हमारी? हेलो हाँ जी एकदम बढ़िया बढ़िया आ रही है। अच्छा जी PB1 प्रेस किया तो यहां से माइनस कोड गया और वहां पे जाकर के BLR रिले पिकअप करा दिया। अब BLR पिकअप जैसे होगी वो स्टेशन मास्टर एक दूसरे से कंसर्न बात करेंगे कि क्या है, तो बोलेंगे ट्रेन हमको भेजनी है, तो बोलेगा ठीक है हम ले सकते हैं आपकी ट्रेन को, तो वो पहले दोनों बटनों को प्रेस करेगा PB1 और PB2 दोनों बटन, ये PB1 और PB2
लेने वाला यहाँ से सबसे पहली चीज ए स्टेशन बी स्टेशन में देने वाले ने बटन प्रेस किया कि आपको मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उसने बोला मैं गाड़ी ले रहा हूँ आपकी, ले लूंगा, मेरे यहाँ जगह है। तो अब क्या करेगा, सबसे पहली चीज जो है जो भेजने वाला है उधर ऑपरेशन आपका करा देगा, दोनों बटन PB1 और PB2 दोनों प्रेस करेगा ए स्टेशन, तो वहां पर एक कोड जाएगा, ट्रांसमिटिंग कोड जाएगा और उसकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 85 जाएगी, 85 हर्ट्ज। वो जैसे जाएगा, अभी हम रिले का सीक्वेंस बताएंगे आपको, तो 85 हर्ट्ज जाएगा जैसे फ्रीक्वेंसी, वहां पे 7 और 8 का कॉन्टेक्ट बनेगा, इसमें कॉन्टेक्ट असेंबली भी आगे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 48 आपके स्प्रिंग कॉन्टेक्ट रहते हैं जिसमें 24 कॉन्टेक्ट यूज किए जाते हैं, मेनली 24 कॉन्टेक्ट बहुत ही इसमें यूज होते हैं, वो अगर कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं बनेंगे तो हमारा ऑपरेशन कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसमें मेन तो कॉन्टेक्ट का ही खेल है। तो यहाँ PB1 PB2 बटन प्रेस किया और तो अदर स्टेशन पे वहां पे NR रिले पिकअप हो गई। NR रिले पिकअप जैसे होगी उसकी क्वाइल को सप्लाई जाएगी और सप्लाई जाने के बाद जो है वो हैंडल को मूव करेगा और वहां पे 9 और 10 का स्प्रिंग कॉन्टेक्ट रहता है 30 डिग्री पे, वो कॉन्टेक्ट बनेगा और वो TCF पोजीशन पे 7 8 बनेगा और 7 और 8 बनेगा, वो TCF मूव करा देगा। TCF अपना भेजने वाला स्टेशन जो रेलवे वाला स्टेशन है वो आपका TCF कर लेगा। TCF करने के बाद जो है, देखिए मैंने बताया अभी आप लोगों को कहाँ गड़बड़ हो सकता है मैंने बताया, दोबारा बताया, वो ए स्टेशन ने जैसे बेल बटन प्रेस किया उधर गई बेल और उसने जो है बोला ट्रेन में ले रहा हूं, तो फिर क्या किया इसने, ए स्टेशन ने PB1 और PB2 दोनों बटन प्रेस किया तो बी स्टेशन में आपका एक कोड गया 85 हर्ज का और उसने TCF ब्लॉक को मूवमेंट कर लिया, TCF घुमा लिया। अब जैसे ही TCF उसका घूम गया वहां पे जो है वो फिर बेल बटन दोनों प्रेस करेगा और यहां पर जो ए स्टेशन भेजने वाला है वो भेजने वाला स्टेशन है जैसे ही वो क्या करेगा उसको TGT में मूव करा देगा। अब TGT जैसे घूम गया एक ऑपरेशन आपका हो जाएगा। तो इसमें से अब ये देखिए PB1 PB2 हो गया, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार थोड़ा ये ऑपरेशन एक बार रिपीट होगा दोबारा तो आपके नॉलेज में रहेगा कहाँ चीज कौन सी बताई थी मैंने। SM की इन होनी चाहिए, सेंट की इन होनी चाहिए और ये आपका H1 और H2 काउंटर जो मैंने बताया और यहाँ पर जो है ये सबसे ऊपर लिखा टाइम रिलीज। जहां जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो वहां पर एक 120 सेकंड का टाइमर चलने के बाद जो है इसमें फ्री इंडिकेशन आ जाता है, तब जो है ये ऑपरेशन उस जो ऑपरेशन किया गया उसको नॉर्मल यानी कि लाइन क्लियर कैंसिल कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं उसमें, वो आगे देख लीजिए जो मैं बताना चाह रहा था उसके आगे, उसी में चल रहा हूं मैं जहां पे था। हाँ देखिएगा, तो इसमें आपको मैंने अभी बताया कि ये इसमें इस प्रकार का ये दिया हुआ है, ये इसमें कौन सी बटन कहाँ पे यूज करना है। सबसे पहली चीज आपको ये कंफर्म हो गया कि ये ब्लॉक जो है हम आरी और नानी एरी सेक्शन में दोनों में यूज करते हैं, सिंगल लाइन में यूज करते हैं और ये FM कोडेड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ये कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोऑपरेशन देना पड़ेगा तभी ऑपरेशन। अब देखिए ये जो ब्लॉक हैंडल का ये कॉन्टेक्ट दिखा रहा हूं मैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड रोटरी टाइप हैंडल कॉल्ड ब्लॉक हैंडल इज located in the front on the lower part of the block instrument. Different contact position of the handle are shown in figure. देखिए ये दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो position है जो मैंने आपको line close अभी बताया था, line close position रहेगा तो ये normal position पे रहेगा आपका, और जब आपका TCF मैंने जो भी बता दिया उसको बताना इसलिए जरूरी था कि वहां पे आपने थोड़ा समझा तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो R लिखा हुआ है ये आपका TCF position के लिए है और जो आपका यल लिखा हुआ है ये TGT पोजीशन के लिए है। तो यहां पर से ये देखिए जब हैंडल नॉर्मल से आप घुमा सकते हैं विदाउट कोऑपरेशन के, तो ये N से X घुमा सकते हैं, इधर N से Y TCF की तरफ N से Y घुमा सकते हैं बिना ऑपरेशन के, और N से X आपका बिना ऑपरेशन के मतलब कोई कोऑपरेशन देने के वजह आपका ये ऑपरेशन आप हैंडल को ऐसे घुमा सकते हो, कहां से N से X और N से Y। इधर नीचे आप देखिएगा यहाँ हैंडल को ये L से A तक घुमा सकते हो, L से A, इधर R से D तक ब्लॉक को ऐसे घुमा सकते हो बिना कोऑपरेशन के। अब इसमें क्या है, इसके घुमाने से कोई ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, लेकिन ये घुमाने से हो सकता है कि अगर कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम है उस टाइम पे फेलियर हो सके।
तो उसके लिए जो है वो भी हमको प्रॉपर ये कॉन्टेक्ट जो 24/24 बताया मैंने आपको, वो कॉन्टेक्ट हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि इसका जो है प्रेशर बराबर है कि नहीं। अभी देखिए ये इस पर सारा खेल है आपका, जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा इसमें ये पोजिशन जो दिखाई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने समझ में आ जाती है तो ऑपरेशन में देखिए सबसे पहली चीज आप देखिएगा यहां पर, देखिए ये यन है, ये लास्ट में आर है और ये लास्ट में यल है, मतलब यल मतलब आपका टीजीटी पोजीशन और आर का मतलब है आपका टीसी पोजीशन, ये आपका लॉक पोल है, ये लॉक पोल है। यहां पर देखिए मैंने आपको यन से वाई के लिए बताया था, इधर यक्स से यन से यक्स डैश के लिए बताया था। अब देखिए टीजीटी साइड तरफ दो लॉक लगे हुए हैं, एक लॉक दो लॉक, यानी कि जब कोई ऑपरेशन करेगा उस समय टीजीटी साइड में दो लॉक मूव कराना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा आपका, यानी कि पहली पोजीशन में एक्स एक्स डैश जाएगा और दूसरी पोजीशन में एक्स से एल पे पहुंच जाएगा, तो टीजीटी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यन से वाई डैश पे पहुंचेगा, वाई डैश से सीधे आर पे पहुंच जाएगा। तो इसमें देखिए एक चीज और ये इसमें दिया गया है, ये फोर्स्ड ऑफ प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब हम ब्लॉक का ऑपरेशन कराते हैं और बटन प्रेस करते हैं तो जब वो क्वाइल पे सप्लाई जाती है उस समय हो सकता है कि हमारी क्वाइल स्टिकअप हो जाए और स्टिकअप होने पे क्या हो, लॉक पल हमारा क्या है उसके ऑपरेशन ना देने के उपरांत भी वो घूमता रहे, तो उसको बचाने के लिए हम फोर्स ड्रॉ प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स ड्रॉ अरेंजमेंट है वो इसीलिए किया जाता है कि अगर हम बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं या बटन प्रेस किया था थोड़े समय बाद और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण वो जो है क्वाइल पे स्टिकअप हो गया और वो क्या है बिना दबाए ही वो ब्लॉक ऑपरेशन हो रहा है, तो वो एक नॉन सेफ्टी होगा। तो उसके लिए यहाँ पर फोर्स्ड ऑफ लॉकिंग अरेंजमेंट का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिएगा इसमें ये दिखाया है किसने, एक्स और वाई आर जो मैंने बताया अभी आपको कि द ब्लैक हैंडल असेंबली आपके कंसिस्ट ऑफ 24 सेट्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स, तो इसमें 24 जो हमने बताया वैसे 48 होते हैं लेकिन इसमें 24 जो है कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं 24। इसके बाद इसमें क्या है कि नीड अ फोर्स ड्रॉप अरेंजमेंट, मैंने वो आपको बताया है कि व्हेन द लॉक गेट्स एनर्जाइज्ड देन द हैंडल इज फ्री टू मूव फ्रॉम नॉर्मल टू ट्रेन कमिंग फ्रॉम ए ट्रेन गोइंग टू पोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द कोड दैट इज रिसीव ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक आर्मेचर टू स्टिक अप देन द ऑपरेटर कैन नॉर्मलाइज द ब्लॉक हैंडल फ्रॉम ट्रेन कमिंग फ्रॉम ए ट्रेन गोइंग टू अवॉइड सच टाइप इरेगुलर मूवमेंट देयर इज ए नीड टू लॉक द हैंडल इज रिस्पेक्टिव पोजिशन द प्रोजेक्शन ऑन द लॉकिंग ब्रैकेट इंश्योर द फोर्स ड्रॉप ऑफ द लॉक कॉइल so that the operator cannot normalize the block handle once it is turned to train coming from train going to without cooperation of the operator। मतलब ये जो आपको हमने adjustment बताया forced drop arrangement, जहां पे electromechanical, जहां पे जैसे आपका Z block double line में है वहां पर भी ये forced drop arrangement रहता है। तो अब इसमें चीज आपने देख लिया, मैंने आपको गैलो बताया था, देखिए गैलो में मैंने बताया था क्या कि ये आपका इंडिकेट करता है इनकमिंग और आउटगोइंग डीसी करंट को शो करता है, जैसे वो बटन प्रेस किया जाएगा तो उसका नेडल चलेगा, तो वो उसका रेजिस्टेंस रहता है कॉइल का 18.2 ओम और वर्किंग करंट रहता है 100 मिलीएम एंड वर्किंग वोल्टेज इज 2 वोल्ट। इसके बाद जो आपको टाइम रिलीज इंडिकेट तो हमने बताया था लाइन क्लियर कैंसिल करेंगे तो उसका फ्री इंडिकेशन आता है, डिजाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेटर टू इंडिकेट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम एलिमेंट रिले ड्यूरिंग कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर द कॉइल रेजिस्टेंस इज 200 ओम। उसका जो है आपका गैलो का रहता है 18.2 ओम्स और टाइम रिलीज इंडिकेटर का आपका 200 ओम्स। इसके बाद क्या होता है कि इसमें नॉर्मेट सो द व्हाइट इंडिकेशन विद लॉक एंड व्हेन ऑपरेटेड सो ग्रीन इंडिकेशन विद द वाट फ्री। इसमें क्या होता है कि जब आपका 120 सेकंड का टाइमर चलने के बाद फ्री इंडिकेशन आता है तो आप लाइन क्लियर कैंसिल कर सकते हो। ट्यूल इंडिकेटर आपको मैंने बताया था साइड में राइट साइड में ट्यूल इंडिकेटर था, जब ट्रेन आपकी एक सेक्शन से जाती है एडवांस कैटर जैसे पार करेगी वैसे ट्यूल का इंडिकेशन बोथ साइड आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें
आपका स्विच S1 दिया हुआ है, तो स्विच S1 का प्रयोग कब हम करते हैं, जब लाइन क्लियर दिया हुआ है और उस समय हमें कैंसिल करना है, तो हमको S1 को नॉर्मल से रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद S2, ये जो है S2 है पुश बैक ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब इस समय नहीं यूज किया जाता है, पुश बैक ऑपरेशन के लिए यूज करता था पहले, किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। पुश बैक में देखिए इसमें दिया हुआ है PB1 ट्रांसमिट होगा, जब PB1 प्रेस करेंगे तो माइनस कोड जाएगा, तो ये आपको बताया हुआ। PB2 प्रेस करेंगे तो इसमें ट्रांसमिटिंग कोड जाता है जब फ्रीक्वेंसी, और PB2 प्रेस करते हैं तो आपका PB1 पिकअप होता है, तो इसमें कैसे पिकअप होगा वो चीज देखेंगे अभी सर्किट के द्वारा। इसमें देखिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो बेल है अपनी वो 110 ओम्स जो है इसका कॉइल रेजिस्टेंस है, और इसमें लगभग 70 मिलियम करंट लेता है। इसका BLR और ENR जो है कोड, आप देखिए मैंने बताया कि एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन में बेल बटन प्रेस किया जाता है स्टेशन से, तो आगे भूपत जी आपका स्वागत है। इसके बाद देखिए इसमें बजर के लिए मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनिक बजर रहते हैं, BZ1 और BZ2। देखिए कहां BZ1 का प्रयोग कब किया जाता है, BZ2 का। तो BZ1 क्या है कि एडवांस स्टार्टर जैसे ही गाड़ी ए स्टेशन जो भेजने वाला स्टेशन है, एडवांस स्टार्टर जैसे ही पास करेगा तो BZ1 बजर आएगा और वो दोनों स्टेशनों पे बजर को एक्नॉलेज करेगा, वो तो बजर का एक्नॉलेज करेगा, उसमें भी एक कोड आएगा, उसके द्वारा रिले नॉर्मलाइज होती है, वो आगे मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है कि सेकेंड BZ2 कब है, जब उसका ट्रैक का सिक्वेंसर UIR1 UIR2 सीक्वेंस पूरा होता है, उस टाइम पे जब आपकी ट्रैक पे यानी बर्थिंग ट्रैक पे ट्रेन आ जाती है, उस समय इसका बजर एक्नॉलेज कर लिया जाता है। ये बजर ऑटोमेटिक यानी कि एक्नॉलेज करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक एक्नॉलेज हो जाता है इसका BZ2 बजर, लेकिन BZ1 के लिए हमको एक्नॉलेज करना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा SM की आपको टू अवॉइड अनऑथराइज ऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ स्टेशन मास्टर, मतलब स्टेशन मास्टर अगर वो ऑफिस से या ऑफिस के बाहर जा रहा है कि कोई इमरजेंसी काम उसको लग रहा है, तो SM की वो निकाल सकता है, कोई आकर के इधर उधर छेड़छाड़ ना करे, इस वजह से मतलब अनऑथराइज ऑपरेशन को ब्लॉक करता है। इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, रिसेप्शन ऑफ बेल कोड, रिसेप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ TL कोड, दो कंडीशन पे जो है अगर ये दोनों चीजें आएंगी, अगर SM की आउट भी है तो भी हमारा ये रिसेप्शन बेल कोड आएगा, अगर अदर स्टेशन ए स्टेशन अगर आपको बिल दे रहा है तो मिलेगी हमको, और TL पोजीशन पे है तो उस समय भी वो कोड आएगा। संट की आपको दिया कि संट की अगर आपका दिया हुआ है तो लाइन क्लियर अदर स्टेशन नहीं ले सकता है। अब इसमें देखिए ट्रांसमीटर जो दिया हुआ है, जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, इसमें दो प्रकार की कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, एक 1800 और 2700 हर्ट्ज, ये दोनों कैरियर फ्रिक्वेंसी, और 65 हर्ज और 85 हर्ज दोनों मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है। अब मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी देखिए आगे मैं बताऊंगा, ट्रांसमीटर चलेगा जो, इसकी जो फ्रिक्वेंसी मेन यही कॉन्सेप्ट है कि ये फ्रिक्वेंसी पर चलता है ब्लॉक अपनी। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी जो मॉड्यूलेटिंग, जैसे आपका रेडियो चलता है, रेडियो में फ्रीक्वेंसी अगर मान लो वहां पे 92.3 लगाया गया, तो 92.3 इधर भी होना चाहिए, उसकी टॉलरेंस कितनी है, वो टॉलरेंस अगर टॉलरेंस से ज्यादा हो रहा है, मान लो इसकी टॉलरेंस हम अभी बता रहे हैं आपको 65 हर्ज है जैसे, तो 65 हर्ज उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 1.5 हर्ज, यानी कि 65 प्लस 1.5 यानी कि 66.5, तो 66.5 अगर आपकी ट्रांसमिटिंग ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है अदर स्टेशन पे, तो आपका कोई फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 66 हर्ज हो जाए तो हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा, और ये फेलियर पकड़ना बहुत ही टिपिकल होता है। अगर इधर से 85 फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है, अब उसमें 1.5 का टॉलरेंस है, अगर 1.5 के टॉलरेंस में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो वो टॉलरेंस जो है अगर 86.6 आया और इधर 84 पॉइंट समथिंग हुआ, तो वो जो है ब्लॉक आपका रिसीव कर लेगा कोड को, अगर इससे कम हो रहा है तो रिसीव नहीं कर पाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो भी रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमारा जो है 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए अपने ट्रांसमीटर के लिए, 24 वोल्ट चाहिए, और ब्लॉक ऑपरेशन के लिए भी जो पावर सप्लाई का अरेंजमेंट किया गया है वो 24 वोल्ट, लेकिन जहां जिस स्टेशन पे हमको 24 वोल्ट चाहिए, अब जिस स्टेशन से अदर कोड अदर स्टेशन में हम भेजते हैं, तो वहां हमें लाइन जो भेजते हैं
क्योंकि लाइन भेजने के दो तरीके हैं आपके, जैसे आपको बताया मैंने कि इसमें पहले ओवरहेड लाइनें यूज करते थे और आपकी केबल के थ्रू अब किया जा रहा है, अंडरग्राउंड केबल जा रही है उसके थ्रू किया जा रहा है। तो अभी क्या है, इसमें भी टीएक्स और आरएक्स में भी एक जो है वो होता है, सेटिंग होता है, टॉगल रहता है 1120 और 600, 1120 ओम का और 600 ओम का, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है हमको कि ट्रांसमीटर हमारा जो है 1120 पे सेट है, हमेशा 1120 पे सेट करना चाहिए क्योंकि ये आरी एरिया के लिए यूज किया जाता है और 600 आपका ओवरहेड लाइनों के लिए यूज किया जाता है। तो ओवरहेड लाइंस तो अब रह नहीं गई हैं, इसलिए हम 1120 पे इसको सेट करके रखते हैं। इसी प्रकार से रिसीवर में भी उसी प्रकार का होता है, इसमें दोनों कोड CR1 और CR2 इसी के थोड़ा, यानी कि जब आपका TX और RX ओके होगा तभी ही ऑपरेशन पूरा होगा, हमारी जो लाइन रिले है वो पिकअप हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो सर्किट हमारा चालू होगा वो TX RX के बाद ही चालू होगा। तो TX RX अगर ओके है तो तभी ओके होगा जो है। इसके बाद जो है ये हम देखते हैं कि इसमें 85 हर्ट्ज, दोनों को बताया मैंने कि ये दोनों TX और RX की वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारी। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1827। अब देखिए, एक अगर ए स्टेशन है और दूसरा स्टेशन बी है तो ए स्टेशन में मैंने 1800 का TX यूज किया है तो रिसीवर भी आप 1800 का ही आपको RX लेना है। अगर हम इधर 2700 का यूज कर रहे हैं तो अदर स्टेशन पे हमारा जो है वो 2700 का होगा। उसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज देखिएगा यहाँ पर, ये अभी हम आपको बताएंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे हम करते हैं, वो चीज भी आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे होगा। अब यहाँ देखिए, ये रिले का जो है नॉमनक्लेचर है कि रिले में कौन कौन से रिले यूज करते हैं हम जो है, TOR रिले, 2R रिले, 1R रिले, 3R रिले, यानी कि कुल मिलाकर के 14 रिले होती हैं इस ब्लॉक एक्सपेरिमेंट में, 14 रिले का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से आपकी जो है दो रिले रहती है आपकी लाइन रिले BLR और NR, तुम्हारा BLR और NR, और दो आपकी जो प्लाक में रिले रहती है नॉर्मल 1R और TPR, 1TPR रिले, ये ऑलरेडी ब्लॉक में नॉर्मल पोजीशन पर भी ये पिकअप रहती है। तो आपकी 8 रिले वो हो गई आपकी Q11 रिले और दो रिले आपकी QBA1 रिले और दो रिले आपकी QNA1 रिले और एक आपका TER रिले होती है और दूसरी एक होती है TLR रिले। तो कुल मिलाकर के 14 रिले इसमें प्रयोग की जाती हैं। इनके सारे जो वर्किंग है वो आप देख लीजिए, नॉमनक्लेचर मैं बता रहा हूं आपको, इसके आगे देखते हैं। लाइन बैटरी हमारी जो है वो हमको 24 वोल्ट जो है चाहिए, तो 24 वोल्ट भेजने के लिए हमको जिस स्टेशन पर है, जिस स्टेशन पे यहां से हमें कोड भेजना है, अदर स्टेशन में वो सप्लाई जानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 66 5 एम्पियर का मॉड्यूल यूज करते हैं ए स्टेशन पे। जो अदर स्टेशन पे हमारी जो इनपुट इनकमिंग सप्लाई हमको मिलती है जिससे हमारी लाइन रिले पिकअप होती है, वो 19.2 से लेकर के 28.8 तक होना चाहिए। यानी कि जो आपकी दोनों रिले आपकी पिकअप हो रही है BLR और NR, उसके लिए हमारी 19.2 से लेकर के 28.8 तक इसकी सप्लाई चाहिए हमको। और आपको इसके बाद जो है मैंने बताया कि सबसे पहली चीज है, एक तो हो गया लाइन रिले के लिए, दूसरा क्या है लोकल के लिए। तो लोकल भी आप जो है 24 वोल्ट, लोकल में क्या है, कौन सी रिले पिकअप रहेगी आपकी, वो लोकल में आपका 1R और 1TPR, ये रिले के लिए जो है इसमें भी 24 वोल्ट आप लोकल यूज करते हो। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पहली चीज आपको ध्यान देना है कि लोकल बैटरी और एक्सटर्नल के द्वारा क्या होता है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जब हमने बताया कि जब आप दोनों बटन प्रेस करोगे तो अदर आपके एक स्टेशन पे यहाँ पर पीवी, आपके ए स्टेशन पे जब PB1 और PB2 दोनों प्रेस करोगे वहां पे PBPR रिले पिकअप होगी। PBPR इस स्टेशन में पिकअप होने के बाद लाइन सप्लाई जाएगी और उधर ENR रिले पिकअप करा देगा। तो उसमें देखिएगा इसका स्पेशल फीचर है, ENR और BLR को देखना है हमारी कि ये रिले पिकअप हो रही है कि नहीं हो रही है। ये
आपका टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो है TLBI दो चीजों पर, एक पहली चीज तो है आपका स्प्रिंग कॉन्टेक्ट, दूसरा क्या है, पहला स्प्रिंग कॉन्टेक्ट अगर हमारे ओके हैं तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा हमारा जो है इसका TX और RX, इसकी वो भी मैं बताऊंगा कि इसका फेलियर कैसे दूर करते हैं, इसका आगे अभी आएगा PPT में, आगे बताता हूं आपको। इसके बाद देखिएगा, देखिए पोजीशन ऑफ रिलेस जो रहती हैं वो आपको बताया मैंने, 14 रिले किस प्रकार यूज करते हैं। वैसे तो अभी मैं नॉर्मल में बता दे रहा हूँ कि आपका दो रिले आपको मैंने बताई, आपको DLRO NR जो लाइन रिले हैं, इसके बाद 8 रिले जो आपकी यूज की जा रही हैं वो लोकल सर्किट के द्वारा ही आप यूज करें। एक्सटर्नल के लिए आपको दो रिले आपको बताई, 1R और 1TPR हमेशा पिकअप रहेगी। अब देखिए इसमें सर्किट की बात आती है, पहली चीज देखिएगा सर्किट में ये देखिए B24N24, इसमें क्या है TPR हमारे सारे ऑफ हैं, हमारे स्टेशन के TPR, अब जो मैंने लिया है TPR वो TPR ऑफ है, तो हमारा 1TPR जो है ये पिकअप दिखा रहा है, और हमारा सिग्नल जो मैंने लिया हुआ है उसमें एडवांस शटर और होम सिग्नल जो लिया है वो नॉर्मल है, तो हमारा 1R पिकअप होगा। इसके बाद ये दोनों पिकअप होने चाहिए तभी हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ऑपरेशन हो पाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि व्हेन ट्रेन इज लीविंग ए स्टेशन टू बी स्टेशन, अब वो ए स्टेशन से बी स्टेशन में कैसे जाएगा वो चीज आप देखिएगा, तो क्या है टर्निंग द SM की टू ऑन पोजिशन, SM की ऑलरेडी आप ऑन है तो आपको ऑन नहीं करनी पड़ेगी, ऑन पोजिशन पे इसको रखना है। और दूसरी चीज क्या है कि ट्रेन देखिए टर्निंग द SM की टू ऑन पोजिशन स्टेशन ए कंप्लीट ए सर्किट पुश बटन PB1 इज प्रेस्ड, PV1 is pressed to give call attention bell code signal to B station. वो जैसे ही PV1 A station press करेगा तो उधर जो है call attention होगा और bell code जाएगा, वो B station ADC minus, ये देखिए minus code आपका minus current flow होगी B station line 1 के लिए, और वहां पर BLR relay pickup हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है ये 25 और 26, 25 और 26 दिया है यहां से जाने के लिए, और इधर से जो हम फ्यूज की तरफ यूज कर रहे हैं देखिए ये यहां से सप्लाई हम दे रहे हैं 2 और 3 पे दे रहे हैं, ये टर्मिनल है हमारे, तो टर्मिनल अभी मैं बता रहा था आपको कि 48 कॉन्टेक्ट्स हैं, और इसके जो टर्मिनल है ब्लॉक्स पे वो भी आपको मैं चलो दिखा देता हूं पहले वहां पे, इसके बाद फिर मैं सर्किट में आता हूं। तो पहली चीज वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये इसमें देखिएगा, इसमें ये आपका ब्लॉक ये क्लियर हो गया एकदम, ये अगर क्लियर है तो आपको ऑपरेशन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। XX डैश संट की, और ये देखिएगा इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें पहली चीज देखिएगा ये कॉन्टेक्ट हमारे जो दिख रहे हैं ये 60 कॉन्टेक्ट होते हैं, ये 60 कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, और इसके बाद जो है यहां पर देखिएगा ये एक से लेकर के और यहां 60 नंबर। अब हमारे कौन से नंबर पे, यहां पे 2 और 3 पे दिया वो 12 और 13 से निकल जाएगा, तो यहां पर एक ये हुआ, एक 11, 2 12 3 13 4 14 इस प्रकार से रहते हैं यहां पर, और इसी प्रकार से जो मैंने आपको आगे भी बताया उसको भी, जो कॉन्टेक्ट बता रहा था आपको 48 कॉन्टेक्ट जो रहते हैं जिसमें 24 स्प्रिंग कॉन्टेक्ट यूज करते हैं वो देखिएगा 1 2 3 4 ये 5 6 7 ये कॉन्टेक्ट हमारे बन में होने चाहिए जिस पोजीशन में हम घुमा रहे हैं। जैसे हम इधर से बेल दोनों बटन प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे TCF के लिए कोड जा रहा है, और वो TCF के लिए जैसे उसमें 85 का कोड जाएगा वो ब्लॉक हैंडल जो है 30 डिग्री घुमाएगा, जैसे 30 डिग्री घुमाएगा तो वहां पे एक कॉन्टेक्ट बनेगा, ये 7-8 का कॉन्टेक्ट बनेगा और वो कॉइल पे सप्लाई गया और 7-8 का कॉन्टेक्ट बना जिससे वो ब्लॉक हैंडल ये लॉक पाल जो है ये आपका रिलीज होगा और ये आपका ब्लॉक ऑपरेशन हो जाएगा और TCF ब्लॉक ऑपरेट कर देगा। इसी प्रकार से वहां से वो प्रेस करेगा बी स्टेशन, तो इसमें ये देखिए 7-8 हो गया, 9-10 ये 9-10 का 30 डिग्री में कॉन्टेक्ट बनेगा और इसके बाद जो है वो मूव कर देगा TGT तरफ, उसका TGT हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों देख लिया आपने, इसके बाद फिर मैं वहीं पे पहुंच रहा हूं,
इसके बाद देखिएगा ये जो मेरा सर्किट चल रहा था, अभी देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये 2 12 3 13, तो यहां पर 2 12 और 3 13 का जो दिया हुआ है 67 68, यहां पर ये फ्यूज नंबर है और 2 12 टर्मिनल है ये दोनों, तो यहां से जो है ये एसएम की इन होना चाहिए, पीवीपीआर रिले का बैक कांटेक्ट मिलना चाहिए, एनआर पीवीपीआर ये सारे का बैक कांटेक्ट मिलना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये हमने अगर पीवी1 इधर प्रेस किया है, पीवी1 इधर प्रेस किया हुआ है तो अब क्या होगा, देखिए इधर पीवी1 मैंने प्रेस किया, पीवी2 ऑफ है, तो ये अब इधर से कोड जाएगा, वो कोड जाएगा तो इधर क्या है बी स्टेशन पर आपके ये देखिए इधर आया लाइन 1, ये लाइन 2 में यहाँ पर ये जो आपने 25 26 पे भेजा था ये देखो 25 26 पे घुरा और 35 36 पे मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो है DLR रिले पिकअप हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ बटन तो प्रेस नहीं की है, PB1 और PB2 दोनों आपकी ऑफ है और ये PVPR का बैक कॉन्टेक्ट लिया है और BLR रिले हमारी पिकअप हो गई। अब BLR पिकअप हो जाएगी, इसके बाद ये बेल का आपका जो मैंने बताया कि यहाँ पे लोकल सर्किट बना हुआ है उसमें ये बेल बजेगी, तो जल बेल बजेगी और वो उसको जानकारी मिल जाएगी, तो क्या करेगा रिसिप्ट आ कॉल अटेंशन बी स्टेशन एसएम इंसर्ट टर्न एसएम की प्रेस द एक्नॉलेज एंड अटेंशन सिग्नल स्टेशन ए, फिर क्या करेगा वो स्टेशन ए की ओर प्रेस करेगा, कौन सी पुश बटन PB1 एंड PB2 प्रेस करेगा साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा यहाँ पे कोड जाएगा कौन सा, इसके थ्रू PBR रिले पिकअप हो जाएगी कहां पे ए स्टेशन पे, देखिए SM की इन हुआ CR1 PB1 PB2 CR2 1R पिकअप है क्योंकि 1R तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं और यहां PBPR रिले पिकअप हो गई आपकी, ये PBPR जैसे ये पिकअप हो जाएगी ये देखिए PBPR दोनों के लिए दिखाया है, यहां PBPR रिले आप अब यहां आउटगोइंग ये 35 25 और 26 से यहां से आउट हो जाएगा, ये 2 3 से आया और ये 25 26 से आउट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिए ये आपके फ्यूज के थ्रू आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1R अप है, PBPR अप है यहाँ पर और PB2 आपका और TLR ये बैक कांटेक्ट मिले हुए हैं, तो यहाँ पर ये TX में सप्लाई इसकी जाएगी, अपनी TX में जैसे सप्लाई ये जाएगी तो यहाँ पर क्या एक कोड होगा, ये 5 6 पे कोड आएगा और जैसे ही इंटर होगी तो ये 34 और 37 ये क्या करेगा AC जनरेट करेगा, AC हमारी मिलेगी TX के थ्रू मिलेगी, तो यहां पर देखिए ये TX के थ्रू जैसे AC मिली हमारी और यहां पर ये इधर लाइन रिले आपकी NR रिले पिकअप हो जाएगी, NR रिले आपकी इधर पिक हो जाएगी, NR रिले कहां पे बी स्टेशन पे NR रिले आपकी पिकअप हो चुकी है क्योंकि हमने ए से PB1 और PB2 प्रेस किया था तो दूसरे स्टेशन पे NR रिले हमारी पिकअप हो गई। इसके बाद देखिए यहां पर CR1 कब पिकअप होगी, जब हम दोनों ए स्टेशन पे दोनों बटन प्रेस कर रहे हैं, अब दोनों बटन प्रेस कर रहे हैं तो वहां पर हमारा एक कॉन्टेक्ट बनेगा, वो चीज आप देखिएगा यहां पर इसमें उस रिले नहीं लिया हुआ है, मैं उस रिले में पहुंच जाता हूं, इसके ये सर्किट में देखिए यहाँ पे सर्किट में जो है यहाँ पे सारी रिले ली हुई है, तो यहाँ BLR रिले आपको बता दिया मैंने, इसके बाद ये बेल हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पर PVPR रिले ए स्टेशन में पिकअप हो चुकी है, PVR पिकअप होने के बाद ये कोर्ट चला जाएगा और ये कोर्ट जाने के बाद आपका जो है इनकमिंग बी स्टेशन पे आएगा और यहाँ पर आपका NR रिले पिकअप करा देगा, लाइन रिले जो आपको मैंने बताया NR रिले पिकअप हो जाएगा, NR जैसे पिकअप हो जाएगी तो यहाँ पर ये 41 और 42 जो आपको हम ब्लैक हैंडल कांटेक्ट आपको मैंने बताया कि 41 और 42 को BX और DY पोजीशन, अभी देखो X मैंने बताया था किधर, ये X की तरफ भी बन रहा है और Y की तरफ भी बन रहा है, मतलब TCF साइड में भी ये बनेगा, अगर आपको TCF तरफ ऑपरेशन करेंगे या कभी तो आपको DY पोजीशन पे ये कांटेक्ट बनेगा और जब आप TGT कर रहे हैं उस टाइम पे भी यही चीज यही कोड आप कांटेक्ट बनेगा और उससे ये ऑपरेशन होगा, तो यहाँ RX आएगा और ये RX के थ्रू जो है अपना CR1 रिले पिकअप हो जाएगा, CR1 कैसे पिकअप होगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका 85 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो
इसके बाद 85 आ जाएगा। ये मैं कह रहा था कि ये 3 मिनट दिखा रहा है अभी हमको रिमेनिंग मीटिंग, तो अभी इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दूं, चाहते हो आप लोग? हेलो हेलो, हाँ जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसका एक्सटेंशन कर दूं मैं, 3 मिनट दिखा रहा है अभी। हाँ कर दीजिए सर, कर दीजिए। कर दीजिए और बाकी लोगों से पूछ लो। हाँ हाँ, अभी क्योंकि ये 3 मिनट दिखा रहा है अभी, और अभी 11:40 हुआ है, तो अभी 15 मिनट के लिए फिर जाना पड़ेगा अपने को, दूसरा देना पड़ेगा ना। कर दें सर, सभी लोग एग्री हैं? हाँ कर दीजिए सर, कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि 41-42 का कॉन्टेक्ट बन जाएगा, और 41-42 कॉन्टेक्ट से हमारा CR1 रिले पिकअप हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 85 हर्ट्ज। अब इसका देखो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, अभी बहुत सारे लोग हमारे हैं जो मॉड्यूलेटिंग से मतलब नहीं समझ रहे हैं, कैरियर कैसे आएगा, मॉड्यूलेटिंग कैसे होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे यूज किया गया, वो चीज मैं अभी बस ये 2 मिनट बाद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट बाद, 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ये रिकॉर्डिंग है ना, तो ये 2 मिनट बाद ये सेव करेगा, इसके बाद फिर नई प्रोन चालू कर देंगे हम। ओके जी, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर CR1 पिकअप हो गई, और यहाँ पर CR1 पिकअप होने के बाद ये जो है ये बेल आपका NRR लेडी पिकअप है। इसके बाद यहाँ से ये कोड कहाँ पे जा रहा है आपका, ये मैग्नेटिक कॉइल पे जाएगा, यहाँ पे बी और डी वाई पोजिशन पे बनेगा। क्या क्या पिकअप है देखिए आप, TPR ड्रॉप है, TCR ड्रॉप है, CR1 पिकअप है अपना, आपका CR1 पिकअप हो गया, NR भी रिले, लाइन रिले भी पिकअप है हमारी। अब जैसे ही लाइन रिले पिकअप हो रही है, तो यहाँ पे आप ये कोड कहाँ पे जाएगा, लोकल आउट गोइंग सर्किट स्टेशन बी की ओर जाएगा। अब वो क्या करे, यहाँ पे क्या करेगा, PB1 दोनों, देखो ये PB1 और PB2 दोनों प्रेस कर रहा है, तो PB1 और PB2 जैसे प्रेस कर रहा है तो PBPR रिले पिकअप हो गई, PBPR रिले पिकअप हो जाएगी, तो इसका PBPR रिले पिकअप हुई, और ये 25 और 26 से जो है ये सप्लाई आपकी, ये दोनों बटन प्रेस किया तो दोनों पोर्ट चला जाएगा, ट्रांसमिटिंग पोर्ट चला जाएगा, और उधर आप क्योंकि TCF हो चुका है, तो ऑलरेडी जो है आपका इधर आपका TCF हो चुका है, अब उधर ये प्रेस करेगा तो TGT ऑपरेशन के लिए कोड आएगा इसका 65 भर जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1R पिकअप, PBPR पिकअप, TLR, CR1 ड्रॉप, CR2 ड्रॉप, ये TX में इसका ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे देखो 5-6 का कॉन्टेक्ट कहाँ बना होना चाहिए, ये TCF, जहां TCF हुआ है वहां पे 5 और 6 का कॉन्टेक्ट बना होना चाहिए। अगर 5 और 6 का कॉन्टेक्ट नहीं बना है तो ये आपका ऑपरेशन TGT नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज देखना है कि TCF जिधर हुआ था उधर 5 और 6 का कॉन्टेक्ट प्रॉपर बना होना चाहिए। तो ये 5-6 के कॉन्टेक्ट से जो है TX से थ्रू जाएगा, और ये TLR रिले है आपकी, ये TLR रिले का मेन रोल है, 1 और 4 का बैक कॉन्टेक्ट के थ्रू ये 34 और 37 के कोड के द्वारा जो है ये उधर कोड चला जाएगा, और उधर कोड जाएगा, NR पिकअप होगी, NR पिकअप होने